हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा कि निफ्टी किस तरीके से मार्केट गिरी थी और गिरने के बाद उठी थी, बट गिरने के बावजूद भी कुछ ऐसे एक सेक्टर ऐसा था जिसने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। उससे रिलेटेड बातें करेंगे, बताऊंगा मैं कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड, और आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने आपको शेयर्स बताए थे और वो शेयर्स लगभग 2 और 3 दिन में, 4 दिन में, इसी वीक में मैंने आपको एक शेयर बताया था और वो लगभग 25% का रिटर्न दे चुका है। तो आइए उस वीडियो से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं लाइक कमेंट शेयर करिए इसमें। और किसी पर्टिकुलर वीडियो शेयर पे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में बता सकते हैं, एज वेल एज अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ। ओके, काफ़ी अच्छा लेआउट है, फ्री का डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, 0 डिलीवरी चार्जेस है। ओके, FNO में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 20 रुपीज़ आपका लगता है और सब काफ़ी बेहतरीन इनका एप्लीकेशन है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस सेक्टर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ वो सेक्टर है FMCG। आपने देखा होगा कि FMCG आज लगभग 2 साल बाद अपने टॉप पर आया है, उसने 2 साल बाद अपना हाई मारा है। तो इसमें काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिसमें इसे रिलेटेड मैं आपको पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी और बताया था कि ये बेहतरीन शेयर है FMCG के। तो ऊपर डिस्क्रिप्शन आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर देख लीजिएगा कि बेस्ट 5 शेयर बताए थे। बट इसमें मैं अभी आपको 3 4 शेयर से रिलेटेड बातें करूँगा, बट 3 का वीडियो मैंने FMCG में बताया था और एक अभी अलग शेयर है उससे रिलेटेड बातें करूँगा। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक जो शेयर है ना, डेट फ्री कंपनी है और मार्केट का बाप है, मतलब बॉस है वो मार्केट का। ओके, एंड बहुत बेहतरीन शेयर है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे ना आप, तो 166 पे 99 रुपीज़ का ही शेयर हुआ करता था और पॉजिटिव रिटर्न देता आया है और डेट फ्री शेयर है। तो काफ़ी निफ्टी 50 का ये पर्टिकुलर एक स्टॉक्स भी है, तो इसकी तरफ हमेशा नज़र बना के रखिएगा। और आपको बताऊँ, देखिए मार्केट जब टॉप पर गिर पेंडेमिक में गिरी थी तो ये शेयर भी गिरा था, और उसके बाद इसने जो ना अपना 52 वीक हाई भी लगा दिया था, लगभग 2600 रुपये के आसपास यहाँ पर गया था, देखिए 2614 रुपये। और फिर उसके बाद गिरावट आई थी और यहाँ पर आसपास मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको कहा था कि आप इस शेयर को एकोमोलेट करिए, ये शेयर वो शेयर है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। जो देखिए वहाँ पर से 15% तो रिटर्न दे चुका है। और अगर यहाँ पर हम ऑल टाइम हाई की भी बात करें ना, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये शेयर देखिए अभी भी लगभग 15 3 4% 6% के रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे से दे सकता है, और ये हाई पे हाई बनाना ही है और अच्छा डिविडेंड देता आया है। तो इसकी तरफ नज़रें बना के रखिएगा, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा HDFC, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर से रिलेटेड, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा फंडामेंटल्स आपको पर समझ में आ जाएगा। और दूसरा शेयर है ITC। ITC पे अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि इस शेयर को खरीदिए, ये ITC शेयर लो बीटा स्टॉक है, भागता कम है, बट इसने काफ़ी बार, मतलब 5 6 बार तो आई थिंक बोनस दिया है। मैं आई बटन पर लिंक को आप दे दूंगा, तो उधर आप देखेंगे ना तो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हुआ पड़ा है इस शेयर का। और मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी और बताया था कि आप इस शेयर को एकोमोडेट करिए, काफ़ी बेहतरीन आपको प्रॉफिट होता हो जाएगा। तो देखिए यहीं पर ही आसपास मैंने आपको वीडियो बनाई थी, ओके, एंड बताया था कि ले लीजिए, तो 15% अगर लिया होता तो अब भी इसमें भी आपको प्रॉफिट हो जाता। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए तो हमेशा पॉजिटिव ही दिखाई देगा, और अभी भी इस शेयर में ना अभी भी काफ़ी ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि देखिए 250 के लगभग इसका 52 वीक हाई है और अभी भी लगभग 12 से 15% के अपसाइड मूव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 247 52 वीक हाई है इसका, तो इस शेयर की तरफ नज़र बना के रखिए, ये शेयर आपको बेहतरीन ग्रोथ करता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा ब्रिटानिया, देखिए ये शेयर बाप शेयर है, ओके, अपने सेक्टर में बहुत मजबूत शेयर है। और मैंने भी ये वीडियो लगभग 3300 रुपये के आसपास जब शेयर आया था तब बताया था, और मैंने आपको बताया था कि इस शेयर पर एक्यूमुलेट करिए, ये शेयर आपको बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो लगभग यहीं पर ही आस यहीं के आसपास मैंने आपको शेयर बताया था, सॉरी यहाँ के आसपास मैंने आपको ये शेयर बताया था जब ये इधर चल रहा था। ओके, एंड लगभग 10% के मूव्स दे चुका है। और एक बात और, यहाँ पर देखिए ईयर टिल डेट, तो अगर इसका मैक्सिमम भी देखेंगे ना तो मैक्सिमम 52 वीक हाई इसका है लगभग 4000 रुपये। अगर ये 4000 से अभी भी ये काफ़ी नीचे है तो ये यहाँ तक तो देखिए जाना ही है इसे, तो आपको लगभग
6-7% के मूव्स तो दे गई, बट एक बार ये जो 4,000 का लेवल क्रॉस किया ना इसने, तो ये आगे ही 4100 4200 4300 पर जाएगा। और ये इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो देखिए 58 रुपये का शेयर आज 4,000 रुपये के लगभग चल रहा है, और काफ़ी बेहतरीन शेयर है वो, कि हमेशा ऊपर की तरफ जाने वाला शेयर है। तो इसकी तरफ भी आप नज़रें बना के रखिए, ऊपर आई बटन पे मैं आप लिंक दे दूंगा, ब्रिटानिया के शेयर से रिलेटेड मैंने फुल फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बता रखा है। ओके, तो उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितना बेहतरीन शेयर है। थोड़ा बहुत कर्ज है इसके ऊपर, बाकी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके अलावा ये हिंदुस्तान फूड्स, मतलब 4 दिन पहले ही मैंने ये वीडियो बनाई थी, ओके इसी वीक बनाई थी, और मैंने बताया था ये शेयर कि आप इस शेयर को खरीद लीजिए, लगभग 900 रुपये पर मैंने वीडियो बनाया था। और देखिए 25% 30% के यहाँ पर रिटर्न्स आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल रहे हैं 4 दिन के अंदर अंदर। तो मैंने ये 4 दिन पहले ही वीडियो बताई थी और बताया था कि काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, क्यों, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करता है FMCG सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स को। उनके क्लाइंट्स कौन कौन है, जो भी देखिए HUL ITC, ये HUL ITC और बहुत बड़े बड़े जो FMCG सेक्टर्स हैं ना, वो सारे के सारे इससे अपना प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। ओके, उसके ऊपर मैंने भी पूरी वीडियो बनाई है। बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, बट तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ऊपर आई बटन पर लिंक दूंगा, उस वीडियो को देख लेना, तो काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये यहाँ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे ना, 2012 में 5 रुपये का शेयर था, ओके, और अभी कितना है, मतलब 1168, मतलब इसने 18,000 और 23,000% के रिटर्न देखिए यहाँ पर दिख रहा है। जब मैंने वीडियो बनाई तब 18,000% के रिटर्न थे और अभी 23,000% के, तो इसलिए कह रहा हूँ इसकी तरफ नज़रें बना के रखना। ये बहुत बेहतरीन और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, और थोड़ा रिस्की शेयर है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, इस वजह से तो इसमें वॉलीटिलिटी आपको दिखाई देगी, बट इतनी वॉलीटिलिटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ये भागता ही हुआ नज़र आ रहा है शेयर। 4 दिन में 30% के रिटर्न इसने दिए है। तो इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाई है, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, फंडामेंटल एनालिसिस है, तो उसका प्रोज एंड कॉन्स सारा आपको सब कुछ बता रखा है। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा पता चल जाए कि ये शेयर्स कौन कौन से हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि ये केवल नॉलेज पर्पज से मैंने वीडियो बनाई है। एज वेल एज अकाउंट ओपन कराना है तो एंजल ब्रोकिंग के साथ ओपन करा लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके, एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।